नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड अंतर्गत खाकी बाबा के पिपरा गांव में है और ये जगह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नारद मीडिया सभी मतदाताओं से ये अपील करता है कि आप 25 मई को अपने घर से अवश्य निकलें और अपने बूथ तक जाकर, अपने मतदान केंद्र तक जाकर आप अपना मतदान अवश्य करें। यहाँ जनता का क्या मूड है, इस बार वो लोकसभा में कौन से मुद्दे को देख रही है, किसको वो एक बार से फिर अपने महाराजगंज लोकसभा का सांसद का ताज पहनाना चाहती है, आइए हम यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से बात करते हैं। आप बुजुर्ग हैं जी, कई लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा जी। जी, सबसे पहले ये बताइए, अन्य लोकसभा चुनाव और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कैसे अंतर? ये है कि लोग का जो मूवमेंट है, उस समय 2-3 पार्टी का लोग नाम रख रहा था, इस समय सिर्फ मोदी के अलावा कोई बातें लोग नहीं बतियाना चाहते हैं। उसमें पुराने और औरत लोग और बच्चे सब लोग एक स्वर से एक बात बोल रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। ऐसा क्यों हो गया? मतलब ऐसा क्या 10 साल लोगों को देखने की अच्छाई का समय दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दिया है। अभी तो मोदी जी कहते हैं कि अभी तो फिल्म बाकी है, ये फिल्म वाला बतिया लोगों को कस के पकड़ लिया है। कब पीओके का हल्ला होता है तो कब कुछ का। आप एक लंबे समय से आपने चुनाव को देखा हो? जी हाँ, देख ले बली। तो ये 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस जी, और उसके उम्मीदवार को इस बार महागठबंधन ने टिकट दिया है आपके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से। जी जी, तो उसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है कि हमारे जो ये सांसद लड़ रहे हैं धोए, उनका घर यहाँ से पड़ता है 20-30 किलोमीटर की दूरी पर, और हम समझते हैं कि उनका घर यहाँ से 100 किलोमीटर से बेसी होगा। तो यहाँ तो लोग जाने में नहीं सकते हैं, तो 100-200 किलोमीटर कौन जाएगा? वो जाएगा, ठीक बात है जी। लेकिन कांग्रेस के से प्रति इतना ज़्यादा क्यों लोग रुष्ट हैं? लोग रुष्ट हैं कि कांग्रेस का कुल ही कार्यक्रम के समय में यहाँ पर सरकार था दूसरा, यहाँ लोग बम और पिस्तौल का सब नज़ारा देखा है, इसीलिए रुष्ट होकर के साफ लोग चुप हो गए हैं, वोट बोलता ही नहीं है, बच्चा भी नहीं मानेगा। आप जाइएगा एकदम, हम तो विकलांग है बाकी, हम तो हैं लेकिन फिर भी जाएंगे, फिर भी जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। हम पहुँचेंगे वहाँ 8 बजे, लिट्टी घर से बनवा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, कह रहे हैं हाँ, आप तो मोदी जी को मोबाइल में देखते हैं, टीवी पर? जी हाँ, देखते हैं। फिर वहाँ जाएंगे, उनके सामने चेहरा देखेंगे कि उसमें दैविक शक्ति वाला व्यक्ति है, कि हम सब लोगों को, गरीब अमीर सबको कुछ मिल रहा है, उससे हमको भी मिल रहा है। 6,000 किसान के अथी मिलता है, बूढ़ा पेंशन मिलता है, हम लोग को क्या नहीं मिलता है। हम लोगों को अभी बहुत कुछ मिलने का आशा है, हम लोग आशा में, हम लोग पूरा विश्वास में। हाँ, हम तो नहीं मानेंगे, प्रशासन मानेगा, ये देह नहीं मानेगा 74 वर्ष का बुढ़ा। उससे असंतुष्ट हो करके, और मोदी जी जब से आए हैं तब से मोदी जी का विकास और फ्री में सब लोगों को अन्न दे रहे हैं, है ना, और विकास का काम देश विदेश हर जगह प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए मोदी जी जब तक रहेंगे, वो दूसरा पार्टी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा ना। तो अपने यहाँ मतदान है और महाराजगंज लोकसभा की जनता इस बार किसे सांसद का ताज पहनाएगी? सिग्रवाल जी को। का है विकास यहाँ पर, जब से वो हैं तब से विकास हुआ है, सब लोग खुशहाल है, कोई चोरी चमारी नहीं है, यहाँ पर कोई दंगा नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो हम लोग इसलिए उसको वोट दे रहे हैं। विकास भी हो रहा है इधर, सब रोड है, बिजली हर तरह में रहता है, पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था, अनाज भी मिल रहा है लोगों को, पेंसिल मिल रहा है, बुरा पेंशन 2,000 रुपया हम लोग को मिल रहा है, अथी वाला में ये कार्ड जो बना है उसमें, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं जो अच्छा है हम लोग को समय, मोदी जी रहेंगे। हाँ, मोदी जी को सब लोग अथी कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपके सारण लोकसभा, ये महाराजगंज लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है, इस बार क्या यहाँ माहौल है, क्या मूड है जनता का? जनता का यही मूड है कि मोदी जी को जिताएंगे और अधिक से अधिक वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे, और यही सभी जनता के अंदर में एक उम्मीद है कि अबकी बार मोदी जी जीतेंगे तो जो 400 मिलता है बुढ़ापा पेंशन अब 1,000 हो जाएगा।
1000 रुपया आएगा। आपको तो नहीं मिलेगा, आप तो युवा हैं। ना युवा नहीं, तो बुढ़ापा लोग के बारे में हम बता रहे हैं, बुढ़ापा लोग के बारे में कह रहे हैं कि अब की बात जीत गए मोदी तो 1000 बिहार में हो जाएगा। यहाँ कई लोगों से बात करने पर ये पता लगा है अन्य बाजारों पर भी कि जो युवा है उसे कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इससे आप कहाँ तक सहमत है? बेरोजगारी कहीं नहीं है, अब महंगाई की रही बात तो महंगाई कहाँ है। पहले 150 रुपया लेबर का मजदूरी था, आज के डेट में 400 रुपया हुआ है, तो कहाँ जाएगा, महंगाई कहाँ है। जो 150 रुपया आदमी कमा रहा था वह 400 कमा रहा है, 150 में भी कमा के संतुष्ट था और 400 रुपया भी कमा के संतुष्ट है, उतना ही खा रहा है, उतना ही बचा रहा है, अपने घर परिवार के लिए बचा ही रहा है। तो ऐसे हमारे महाराज लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी का मतलब बुझिए कि पूरा ये है, बम्फर वोट से मोदी जीतेंगे, कम से कम 4 लाख वोट से विजयी हो रहे हैं। 4 लाख वोट, सिग्रवाल जी 4 लाख वोट से यहाँ से विजयी हो, एक तरफा जा रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। अच्छा, ये जो आकाश सिंह जो हैं, ये आपसे मुलाकात किए हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहीं मुलाकात का नहीं किया, आए हैं एक दो आदमी के पास आए हैं कहीं, लेकिन इधर हम लोग यहाँ पिपरा बाजार पे किसी से मिलने नहीं आए हैं। हालांकि औरंगाबाद के हैं, इंग्लैंड से उतर के आए हैं, तो कोई उनको वोट थोड़ी देगा, उनको जिताएगा थोड़ी है। और इंग्लैंड से आके आप यहाँ पे चुनाव लड़िएगा, जीत जाइएगा, तो महाराज की जनता इतना बेवकूफ़ थोड़ी है जी। चुनाव है 25 तारीख को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का, चारों तरफ तो मोदीमय है, मोदीमय है, हर जगह सब लोग मोदी के ही पक्ष में वोट देंगे और देना भी उचित है, क्योंकि देश को अगर बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो मोदी को वोट देना ज़रूरी है जी। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि इस बार जनता क्या कर रही है? हम लोग तो मोदी का सपोर्टर हैं और काम करे या ना करे, सिग्रवाल ये काम करे या ना करे, लेकिन हमको लीडर देखना है, जो किस लीडर को देना है, देश स्तर पे क्या है, बस मोदी जी के, हाँ इसी मुद्दे पर हम लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी के कार्यकलाप से आप खुश हैं? बस और नहीं दे रहे हैं, और कर देंगे। अभी पूरा मोदी मैं है, भाजपा की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत से, जो लोग नारा दे रहे हैं 400 पार सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, महाराजगंज की जनता एक बार फिर से, हाँ फिर से मोदी सरकार। अच्छा, पिछली बार से लड़ाई क्या आसान है या नहीं? टक्कर में होगा, इस बार से टक्कर में, हाँ लड़ाई टक्कर में। इस बार से भाजपा के लिए ये सीट जो है आसान हुआ है कि और ज्यादा टक्कर में है? टक्कर में, हाँ, लेकिन निकलेगा भाजपा ही। कैसे टक्कर में है? अब सब लोग बोल रहे हैं इसको इतना वोट मिल रहा है, लेकिन भाजपा निकलेगा, भाजपा निकलेगा। तो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, सिग्रीवाल जी विजयी हुए थे जी जी, और इस बार इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, उसने कांग्रेस को ये सीट दिया है, कांग्रेस के उम्मीदवार आए हैं, बड़े युवा हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के बेटे हैं, उनको लेके लोगों में कैसा उत्साह है? अभी तक तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे समझ से आम जनता से उनको मुलाकात ही नहीं हुआ है, अभी मैंने धरातल पे तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक बात और है, तो क्या समझ के ऐसे लोग मैदान में आते हैं, मतलब क्या उनको लगता है? पार्टी का जो भी मैंने वो था, कांग्रेस राजद का जो महागठबंधन है, उसका पता ना क्या व्यूज था, यहाँ का कोई लोकल आदमी का टिकट मिला होता तो कुछ हद तक अच्छा होता, लेकिन हम अखिलेश बाबू अच्छा है, आकाश बाबू से तो हमको नहीं लगता है कुछ यहाँ प्रभाव पड़ने वाला है। जनता एक बार मूड बना चुकी है? हाँ, जनता तो मानते नरेंद्र मोदी को देख के ही सब लोग अपना मूड में है, और एक रणधीर सिंह NDA में जाके मिल गए तो अब लड़ाई तो है ही नहीं यहाँ पे, उनके मिल जाने की, मिल जाने से तो अब लड़ाई नहीं है, मिल जाने से और आसान हो गया, एकदम आसान हो गया है, माने हमको लग रहा है कि 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे सिग्रीवाल जी। इसका मतलब ये है कि आपकी बातों से लगता है कि पिछली बार से आसान लड़ाई है? जी जी, एकदम आसान है, लड़ाई है ये नहीं है बुझे के यहाँ पे, लड़ाई है ये है ये नहीं है। 25 तारीख को वोटिंग है, ठीक है 25 तारीख को वोट देंगे, वोट देंगे जी। क्या इस बार लग रहा है? अच्छा लग रहा है, संसदीय के चुनाव में बहुत अच्छा लग रहा है। पलड़ा किसका भारी है? वो नहीं का पलड़ा भारी है, मोदी का पलड़ा जी जी, मोदी का पलड़ा भारी जी सर, मोदी जी का पलड़ा एकदम भारी जा रहा है, कौन हर जगह बात नहीं ना, वो तो कोई को चुनाव देख ले ना देख ले बनी हो, पिछला चुनाव से चुनाव में का अंतर बा कुछ? हाँ वो तो नहीं 19-20 होकर में कर ला, समय बीतला तो क्या। 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, एक बार से
महाराजगंज क्षेत्र से आपके सांसद दिल्ली जाएंगे, इस बार टक्कर किसमें है? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार टक्कर है, क्या लग रहा है? कांग्रेस निकल रहा है। कांग्रेस निकल रही है? कांग्रेस यहाँ से निकल रही है, महाराजगंज से कांग्रेस निकल रही है। कांग्रेस निकल रही है, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आदमी को बोल वाला सुन रहे हैं, हम भी तो फिलहाल नए आए हैं, लेकिन जो भी आदमी बोलता है कांग्रेस कांग्रेस बोलता है। कांग्रेस कांग्रेस बोलता है। कांग्रेस के उम्मीदवार से मिले हैं? मिले हैं, हाँ, आए थे एक रोज हमारे गांव में। आपके गांव में आए थे? कौन वो, क्या नाम है प्रकाश की, क्या नाम है उनका? 25 तारीख को मतदान है लोकसभा का चुनाव के, इस बार मुकाबला किसमें है? अब क्या बताएंगे, मोदी का है और कांग्रेस का है। और मोदी का है और कांग्रेस का है? हाँ, कांग्रेस का उतना नहीं है, लेकिन मोदी का तो है। मोदी का है। भाजपा को वोट दिए और क्या रख दीजिए? भाजपा को काहे वोट दीजिएगा? भाजपा देखा तो सब काम धाम चाहे ठीक बा, हम नहीं खाते। भाजपा को वोट दीजिएगा? हाँ ठीक है, लेकिन भाजपा 44 साल पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी को इस बार टिकट यहाँ से मिला है कांग्रेस से। तो ठीक ना, कांग्रेस के तो वोट ना दिए, कांग्रेस के देखल आदमी वोट भाजपा को दिए। हाँ हम एकदम, हाँ हाँ, 25 तारीख को यहाँ मतदान है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए। यहाँ एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपकी नज़र में पड़ रहा किसका भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, भारी तो जनता को देखना है। अगर मैं पर्सनल कहता हूँ तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं है, या अगर सक्सेसफुल है भी तो पहले जो है कांग्रेस का नींव को ही देखकर चला जाए। ऐसा जो है भाजपा भी है, भाजपा अभी चल रही है, लेकिन जो मातृभाषा है वो कांग्रेस का ही है। ये मातृभाषा कांग्रेस का है, मतलब माने पहले से कांग्रेस ही चल रही है, और जो भी अनुदान राशि उस कांग्रेस के पास था, यहाँ पर इतनी जो है प्याज चाहे कोई भी सब्जियाँ जितनी महंगा चल रही है पहले नहीं था। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है वो महंगाई बढ़ा दी है? बढ़ा दिया है हर चीज़ में, महंगाई बढ़ा दिया। हाँ, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये प्याज 2 रुपया किलो हो जाएगा? ये जो है 2 रुपया हो चाहे 1 रुपया किलो हो, वो सरकार के ऊपर निर्भर करती है। अगर भाजपा सरकार 50 रुपया खरीदे और 1 रुपया किलो दे, हाँ, जनता इससे खुश रहेगी, जनता उसको वोट देगी? ओहो, जनता किसी को वोट दे, ये आपसे पहले मैंने बोल दिया, लेकिन पहले यही भाजपा थी कि कांग्रेस में प्याज बढ़ा था तो वहाँ पर भाजपा के पास कांग्रेस के पास गई हुई थी, ये भी बात आप मीडिया में रहते हैं। हाँ ठीक है, तो इस बार अगर वो बढ़ा है तब कांग्रेस को भी भाजपा में आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, उसको शिकायत करना चाहिए। हाँ, सभा का चुनाव है आपके महाराजगंज, इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी या भाजपा के प्रत्याशी में टक्कर है, आप कई चुनाव को देखे हैं, क्या लग रहा है? भाजपा तो आगे है, हाँ, कांग्रेस के हैं मैंने जातिगत हिसाब में कुछ कटेगा। हाँ, जातिगत हिसाब में कटेगा। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि भूमिहार लोग कुछ कट कर जाएंगे आके आजकल तरफ, भूमिहार लोग कट के जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर जाएंगे। यार भाजपा के कैडर वोटर हैं वो अपनी जाति को देख के कटेंगे? कटेंगे 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वही मैंने 50-20%। अच्छा, एक बात और बताइए, ये रणधीर जी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ जाना, जदयू में आ जाना, क्या भाजपा के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है। हाँ, इसलिए माना जाएगा कि भाजपा को ज्यादा मजबूती मिलेगी। हाँ, ये प्लस पॉइंट है, इसमें से जो कटने वाला था वो नहीं कटेगा। थोड़ा सा बोले, 25 तारीख को यहाँ चुनाव जी, इस बार घूम रहे हैं पूरा आप जनता में जी, जी क्या लग रहा है? मोदी जी का का है लग रहा है, आप जानते हैं कि मोदी जी है। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, यहाँ आज्ञा में मोदी जी आ रहे हैं जी, 21 तारीख को, क्या लग रहा है? अच्छा है,
अच्छा है जी जी। लोगों में उत्साह है? बहुत उत्साह है, वैसे हो रहा है। आप युवा हैं, एक बार फिर देश के लिए चुनाव हो रहा है, देश पर कौन अगले 5 साल तक हुकूमत करेगा, किसके शासन में हम लोग रहेंगे, क्या लग रहा है? हम तो मोदी जी के साथ ही हैं। मोदी जी के साथ क्या है? ऐसा चीज़ है कि मोदी जी के साथ है? मतलब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी जो हमें फैसिलिटी मिल रही है हम कर पा रहे हैं, इस गवर्नमेंट की वजह से ही कर पा रहे हैं। हमें इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है जिस वजह से हम घर से काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ से काम कर सकेंगे। तो हम तो खुश हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, आज हमें कहीं भी जाना हो, हम दिल्ली बाई कार अपने चले जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है इनकी तरफ, और डिसीजन मेकर हैं तो मुझे इसलिए पसंद है ज़्यादा। लगता है कि फिर एक बार मोदी लोकसभा क्षेत्र से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र ही क्या, मतलब हम तो चाहते हैं कि वापस हर जगह से जीते भाई, यहाँ से तो हम जिता ही रहे हैं। चाहते हैं कि हम चाहते हैं हाँ एक बार फिर से आए। फिर एक अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार अगर मोदी आए तो और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? मतलब जहाँ तक हमारी अभी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, शायद वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो उससे आगे वो कुछ और करेंगे जो हमारे लिए और अच्छा होगा। अभी तक तो हमें अच्छा लग रहा है जो करे हैं। तो आपके सेक्टर में क्या और हो सकता है? हमारे सेक्टर में और गवर्नमेंट की तरफ से बस जो चीज़ें अभी बची हुई है, ये कनेक्टिविटी वाला, जैसे फाइबर की कनेक्शन हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट की स्कीम तो है लेकिन अवेलेबिलिटी अभी नहीं है हर जगह, अगर वो आ जाए और सुविधाजनक हो जाएगा जी। इस चुनाव में एक तरफ 44 साल पुरानी पार्टी है, एक तरफ 140 साल पुरानी पार्टी है, जनता क्या तजवीज कर रही है? जनता यही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार जो बीजेपी का है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए है ना, और सरकार बने। लेकिन इस बार तो महागठबंधन ने कांग्रेस को टिकट दिया है, लेकिन जनता को हम देख रहे हैं, हम भी तो फील्ड में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि है ना कि वोट मोदी। हाँ, काहे मोदी? इसलिए कि उनका कार्यकलाप सही है, उस पीएम किसान लोगों को मिलिए रहा है, विधवा पेंशन मिलिए रहा है ना, राशन उनको मिलिए रहा है, तो काहे नहीं चिल्लाएंगे वो? मतलब एक गांव का भी व्यक्ति, सुदूर गांव का भी व्यक्ति अपने आप को मोदी से कनेक्शन पाता है। हाँ, कनेक्ट है। हाँ, कनेक्ट है। उसको लगता है कि हमारी सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है वो हमारी सरकार है। ये बहुत बड़ा काम। हाँ, वो अपने को गार्जियन मानता है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप घूमते रहते हैं, आज्ञा में जो आ रहे हैं मोदी जी, उसको लेके इस क्षेत्र में क्या उत्साह? काफी उत्सुकता है, लोग जाएंगे। बच्चे का भी काफी उत्सुकता है, लोग जाएंगे। जाएंगे हाँ, जाएंगे। मानेंगे नहीं? कोई नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं, हम मतदान है लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जी महाराजगंज क्षेत्र में जी, उस पर क्या लग रहा है? उसमें जो है हम लोग को यही लग रहा है कि हमारे देश का कल्याण, हमारे देश का उद्धार कब होगा, जब हमारे देश में पुनः मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। वो तो 10 साल से है ना? हाँ, तो 10 साल से हैं, लेकिन अगले 5 वर्ष में भी हम लोग देखना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री हो, हमारे देश का कल्याण हो। इसके सपोर्ट में हम लोग हमेशा जो है भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। हम लोग कोई लोभ लालच नहीं है कि कोई पार्टी यदि कुछ लाभ देता है तो हम इधर उधर विचलित हो जाए, ऐसी बात नहीं। इस बार कांग्रेस का टिकट लेकर आकाश बाबू आए। हाँ, तो कांग्रेस जो भाजपा का एक पूर्व वोटर है वो उनके तरफ जाति की वजह से जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जाति की वजह से मुसल्लम वोट नहीं जाएगा, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे लोग हैं कि जो कि अपने स्वार्थ से लगे हुए हैं, तो स्वार्थ उनका ये है कि हमको भविष्य में कांग्रेस का टिकट जो है मिल जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ लोग लक्ष्मी की जो है इच्छा रखते हैं, तो वो लोग माल मीटर जो है लिए हैं करोड़ों में, तो वो उनके साथ जो है। तीसरी बात है कि हमारे विधायक जो देवेश बाबू हैं, उनके विरोधी बेंच जो हैं प्रखंड गोरियाकोठी पंचायत की बात मैं कह रहा हूँ, तो गोरियाकोठी पंचायत में वो लोग विरोधी लोग जो हैं वो हमेशा ये बात चाहते हैं
कि देवेश बाबू का हम विरोध करेंगे, लेकिन देवेश बाबू का विरोध भी नहीं होगा भविष्य में। 25 में जो विधानसभा का चुनाव आएगा, देवेश बाबू भी भाजपा से आएंगे और भाजपा से जीत कर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना, ऐसी बात का उम्मीदवार जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। और उसके बाद जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी मैंने कांग्रेस की बात, आकाश बाबू की बात कर रहे हैं, लेकिन 25 के पहले 24 को सब लोग आ जाएंगे सिग्रीवाल जी के लाइन में और मोदी की सरकार जो है बनेगी। क्या कहेंगे इस बार? एक तरफ 44 साल पुरानी पार्टी है और एक तरफ 140 साल पुरानी पार्टी के उम्मीदवार हैं, किसका पलड़ा भारी है और क्यों? वो पलड़ा तो आगे पीछे रहे, लेकिन सब लोग मोदी जी के प्रभाव से उनका काम देख करके उनके साथ हो गए हैं और युक्त हैं। मोदी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे 50 बरिस पहले का कोई आवे चाहे बाद में आवे, लेकिन मोदी जी का काम देख करके मोदी जी के साथ ही रहेंगे और उनके काम से लोग इच्छुक हैं, उनकर प्रभावित हैं और उनके साथ रहेंगे। बस काहे काहे हम लोग मोदी जी अच्छा लगते हैं, मोदी जी का कार्यकलाप, उनका कार्यकलाप सब अच्छा है, सिस्टम में चल रहा है, चोर मदारी खत्म हो गया है। पहले आता था वृद्धा पेंशन तो लोग लूट के 100 रुपया दो तो हमको मिलता था, अब इन डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, इसीलिए हम लोग उनको अच्छा मानते हैं जी। जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ की जनता की राय आपने देखा, ये गोरियाकोठी का बिंदवल पंचायत का खाकी बाबा पिपरा गांव है। शाम का समय है, छोटा सा यहाँ हाट लगा हुआ है, गांव-गांव से लोग निकल के आए हैं और यहाँ सब्जियाँ खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ एक राय है लोगों की कि पूरा ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल मोदी में है और एक बार फिर से मोदी को दिल्ली में हम उनकी सरकार बनवाएंगे, इसलिए 25 तारीख को मतदान करना है। अब जनता है, सब कुछ जानती है, 4 जून को परिणाम आएगा। बहरहाल मैं खाकी बाबा पिपरा गांव से, श्री नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे।